हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को रिफंड आना शुरू हो चुका है। इससे संबंधित सबसे पहला वीडियो मैंने ही बनाया था और आप लोगों को इसकी सूचना दी थी। हालांकि यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी है और काफ़ी लोगों का रिजेक्ट भी किया जा रहा है। अभी एक नई समस्या पोर्टल ने क्रिएट कर दी है और यह समस्या है कि मैक्सिमम अधिकांश क्लेमकर्ताओं को मैसेज के द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि उन्होंने जो क्लेम किया था उसमें कुछ डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी से संबंधित मैसेज लगातार उनको मिल रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनका जो क्लेम है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो मैंने स्पेशली इसी के लिए बनाया है और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि जैसा कि बहुत सारे निवेशकर्ता सवाल कर रहे हैं कि वो नेपाल के नागरिक है, उन्हें क्या करना चाहिए, तथा साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी मैसेज किया है कि वो NRI हैं, इस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी मुद्दों को लेकर आज का यह वीडियो मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे क्योंकि यह वीडियो काफ़ी जानकारी वाला है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपका जो आपको जानकारी लेना हो वो छूट जाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। अगर आपको भी ऐसा आया है मैसेज जिसमें लिखा हुआ है कि योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर जिसमें दिया हुआ है, साथ में डेट नंबर दिया हुआ है जिस डेट को आपने क्लेम किया था, उसमें अकाउंट नंबर दिया हुआ है और साथ ही साथ नीचे एक मैसेज लिखा हुआ है जैसे कि आप जिस सोसाइटी के थे, जैसे ये मैसेज है सहरायन का, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि सहरायन भोपाल हैज़ सम डिफिशियंसी, डिटेल मे काइंडली बी चेक्ड बाई लॉगिंग ऑन द पोर्टल। ठीक है दोस्तों, एक मैसेज और आपको दिखाता हूँ। इसमें भी वही सेम है, एप्लीकेशन नंबर है, डेट है, अकाउंट नंबर है और इसमें लिखा हुआ है कि सहारा लखनऊ है सम डिफिशियंसी, डिटेल में काइंडली बी चेक्ड बाय लॉगिंग ऑन द पोर्टल CRCS। तो दोस्तों, इस तरह का जो मैसेज डिफिशियंसी से संबंधित मैसेज है ये बहुत सारे लोगों को आ रहा है। एक्चुअली यह मैसेज तब दिया जा रहा है कि जब आप आवेदन कर रहे हैं पोर्टल पर और आपसे आवेदन करने में कोई गलती हो जा रही है, कोई त्रुटि हो जा रही है, मसलन कि आपने बॉन्ड नंबर गलत भर दिया है, अमाउंट गलत मिसमैच कर दिया है, आपका नेम मिसमैच है, नाम में कुछ थोड़ा बहुत अंतर हो गया है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। बहुत सारा ऐसा भी बात है कि जब आपने बॉन्ड लिया था तब उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं या तो आपके जो सहारा ऑफिस लोकल ऑफिस हैं या फिर जो सेक्टर ऑफिस है वहीं तक है, हेड ऑफिस तक आपका डॉक्यूमेंट नहीं पहुंच पाया है, तो इस स्थिति में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का मिलान भी नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि वो डिफिशियंसी संबंधित मैसेज पोर्टल के द्वारा आपको मिल रहा है। अब इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें दो तरह की स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है कि एक ही आवेदक के पास अगर मान लीजिए 10 अकाउंट है तो इसमें ये क्या हो रहा है कि आपको 2-3 अकाउंट को एक्सेप्ट कर दिया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि इसमें कुछ, जैसे कि एक ही आवेदक का अगर मान लीजिए 10 अकाउंट है तो उसमें 1-2-3 अकाउंट का एक्सेप्टेड दिखा देगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका सारा डॉक्यूमेंट सारा कुछ ओके है, उसको एक्सेप्टेड दिखा दे रहा है। और दूसरा सेम आवेदक का दूसरा अकाउंट है उसमें किसी कमी के चलते उसको डिफिशियंसी का मैसेज आ जा रहा है कि आपका जो क्लेम किया है आपने उसमें कुछ कमी है, कुछ डिफिशियंसी है, जिसके चलते या तो आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है या फिर अंडर प्रोसेस में दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस आवेदक का देखिए अंडर प्रोसेस शो कर रहा है जबकि उसको डिफिशियंसी संबंधित मैसेज आया हुआ था। तब इस स्थिति में आपको क्या करना है? इस स्थिति में देखिए तीन तरह की परिस्थितियाँ हैं। अगर आपको, जैसा कि मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो मैसेज आया है देखिए इसमें एक्सेप्टेड दिखा रहा है, अगर आपको एक्सेप्टेड संबंधित मैसेज आया है तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे।
या फिर जो भी आपका 10,000 से कम का अगर क्लेम है तो उतना रुपए अमाउंट आपके खाते में आ जाएंगे। ये तो हो गई एक्सेप्टेड की स्थिति में। अब जो हो रहा है कि मान लीजिए आपका डिफिशियंसी का मैसेज आया, और अगर आप उसमें देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि आपको स्टेटस चेक करना है। मैं अब आप स्टेटस कैसे चेक करेंगे इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए कि आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। तब आप जाके अगर स्टेटस चेक करते हैं तब उसमें आपको जो जिस कमी के चलते आपको फॉर्म को रिजेक्ट या अंडर प्रोसेस डाला गया है उस स्टेटस में क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि अब आपको क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे दूर करना है, उस समस्या को क्या दूर करना है। अब जब बताइए इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ही आप पोर्टल अगर खोलते हैं तो अगर मान लीजिए डिफिशियंसी का मैसेज आया है, स्टेटस चेक करने जाते हैं, तब आप क्या करती है जमाकर्ता लॉगिन का खोलिए, उसमें जमाकर्ता लॉगिन का खोलिएगा। जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ तो नीचे में देखिएगा एक मैसेज लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जमाकर्ताओं का 10,000 रुपये उनको रिफंड किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि अगर किसी कारणवश किसी त्रुटिवश आपका रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर अंडर प्रोसेस में है जिसकी कमी के चलते आपको जो मैसेज आया है उसको आपको जिस दिन मैसेज आ रहा है उसके 30 दिन के अंदर आपको रीअप्लाई करने का एक ऑप्शन खुलेगा, और जिस डिफिशियंसी के चलते आपके क्लेम को अंडर प्रोसेस या रिजेक्टेड किया गया है उसको आप दूर करके रीअप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए जिनका रिजेक्टेड है उनको तो रीअप्लाई करना है, ये क्लियर समझ लीजिए कि जिन लोगों का डिफिशियंसी करने के बाद स्टेटस चेक करते हैं और स्टेटस में उनका रिजेक्टेड शो कर दे रहा है तो उस स्थिति में उनको 30 दिन के बाद पोर्टल पर ऑप्शन आएगा और वो रीअप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका डिफिशियंसी है और अंडर प्रोसेस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया गया है, सहारा और CRCS के अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है, और हो सकता है कि अगर जिस कमी के चलते अभी अंडर प्रोसेस में रखा गया है और आपको डिफिशियंसी का मैसेज दिया गया है, अगर उनको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है वो कमी को दूर करने का, अगर CRCS सहारा के अधिकारी अपने स्तर से उस कमी को दूर कर लेंगे तो उस अंडर प्रोसेस को हटाकर उसको एक्सेप्टेड का मैसेज आने लगेगा स्टेटस में। तो दोस्तों अगर आपको डिफिशियंसी का मैसेज आया है और स्टेटस में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तब आपको घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जब तक अंडर प्रोसेस हटेगा नहीं वो आप फिर रीअप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अंडर प्रोसेस कुछ दिन के लिए ही है, कुछ दिन के बाद या तो एक्सेप्टेड दिखाएगा नहीं तो रिजेक्टेड दिखाएगा, और रिजेक्टेड की स्थिति में आपको 30 दिन के बाद जैसा कि पोर्टल पर दिखा रहा है 30 दिन के बाद एक ऑप्शन खुलेगा और फिर से आप अपना क्लेम उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह मैंने डिटेल रूप से आपको समझाने की कोशिश की कि जिन लोगों का डिफिशियंसी संबंधित मैसेज आ रहा है उनको क्या करना है, उनको घबराना नहीं है, उनके लिए अभी ऑप्शन खुले हुए हैं। अब बहुत सारे जो दर्शक हैं वो नेपाल से हैं, उन लोगों ने मैसेज किया है कि जो नेपाल के नागरिक हैं वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग नेपाल के नागरिक हैं तो उनके पास आधार कार्ड तो होगा नहीं, और बिना आधार कार्ड के इस पोर्टल पर अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो लोग नेपाल के नागरिक हैं फिलहाल अभी वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिना आधार कार्ड का इसमें रजिस्ट्रेशन होगा नहीं, और बिना रजिस्ट्रेशन के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो नेपाल के नागरिक वेट करें, हो सकता है कि आने वाले समय में पोर्टल पर कुछ सुधार करके कुछ कमियों को दूर करके नेपाल के नागरिकों के लिए भी कोई ऑप्शन खोल दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो NRI हैं, जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, उन लोगों का भी निवेश सहारा में पैसा फंसा हुआ है, उन लोगों ने भी सहारा में मोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, खासकर सहारा हाउसिंग वालों का, या फिर ये जो 4 समितियाँ इनमें भी बहुत लोगों का NRI लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो वो लोग भी बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके लिए बहुत ही आसान है, आप लोगों को देखिए जो NRI है और जिन्होंने भारत की नागरिकता अभी त्यागी नहीं वो लोग यहाँ पर आकर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आप आधार कार्ड के पोर्टल पर जाइएगा
वहाँ पर NRI के लिए आधार कार्ड बनाने का ऑप्शन है। मैं स्क्रीन पर देखिए आपको दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से NRI लोग आधार कार्ड बना सकते हैं। तो आधार कार्ड बनाना NRI के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग बनवा सकते हैं। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप अगर उन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं तब आप भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और एक बार आधार कार्ड बन जाएगा आपका खाता खुल जाएगा, खाता खुलने के बाद आप या फिर जो भी खाता है बाहर का भी खाता है तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार आधार कार्ड बन जाएगा तो अपना लॉगिन करके रजिस्टर्ड करके लॉगिन करके अपना क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यह मैंने आज कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर आज का वीडियो बनाया है जो आम तौर पर काफ़ी निवेशकों के साथ ये समस्या आ रही है, खासकर डिफिशियंसी संबंधित जो समस्या है ये मैक्सिमम लगभग 80% निवेशकों को लेकर आ रही है। और इसका मुख्य कारण ये है कि जिस समय यह सहारा काम कर रहा था उस समय सहारा के ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट को अप टू डेट नहीं किया गया, ना ही तो निवेशकर्ताओं के द्वारा अपडेट किया गया और ना ही सहारा के द्वारा। अब इस स्थिति में क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं मिल नहीं रहे हैं, कहीं मिसमैच है, कहीं कुछ है, और खासकर नाम वगैरह है वो भी बहुत लोगों का मिसमैच हो गया है। तो ये सब जनरल समस्या है और उम्मीद की जाती है कि बहुत ही जल्द इस समस्या को भी दूर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई इससे संबंधित सवाल हो तो अब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियो में आपकी समस्याओं का निदान कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।